समय के साथ छोटे बड़े अपराध ही हाईटेक हो गए हैं। हालांकि ये पुलिस के लिए एक चुनौती प्रतीत होती है, लेकिन पुलिस ने भी तकनीक की मदद से अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अपने स्वयं के सिस्टम विकसित किए हैं। इनमें से एक है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसे पुलिस ने 1998 से बनाया है। नागपुर ग्रामीण पुलिस CCTNS प्रणाली का उपयोग कर अपराधियों का डेटाबेस बनाने में राज्य में तीसरे स्थान पर है, जो महाराष्ट्र राज्य पुलिस बल का प्रमुख है। जालना पहले और रायगढ़ पुलिस ने दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश भर में अपराधियों के लिए CCTNS सिस्टम दुःस्वप्न साबित हो रहा है। जब नागपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया जाता है तो अपराध और अपराधी की जानकारी CCTNS में फीड की जाती है, तो इसने अपराधियों की जानकारी कहीं भी और कभी भी एक क्लिक से प्राप्त करने में मदद की है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम को 15 सितंबर 2015 को राज्य भर में अपराधियों पर एक क्लिक की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सिस्टम 1998 से अपराधों और अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। यदि राज्य के किसी भी थाने में कोई अपराध दर्ज होता है तो उस अपराध की जानकारी CCTNS प्रणाली में ऑनलाइन भरी जाती है। ये व्यवस्था देश भर के पुलिस थानों में लागू है। अपराधियों की पृष्ठभूमि जानने के लिए ये व्यवस्था पुलिस के लिए वरदान है। CCTNS एक क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम जी परियोजना है, ये संपूर्ण देशभर राबवली जाते। पोलीस खात्यामध्ये जे काही गुन्हेगारांच्यावरती वास ठेवणं किंवा गुन्हेगारांची माहिती संकलित करणं, या दृष्टीने हे एक पोलीस शासकीय स्तरावरती पोलीस विभागामध्ये याची एक माहितीची जंत्री म्हणून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ही माहिती सेव्ह केली जाते। त्यामध्ये FIR, अरेस्ट, पंचनामे, नंतर मिसिंग किंवा इतरही कोर्ट डिस्पोजल, या सर्व जे पोलीस विभागामध्ये काम होतं त्याची माहिती याच्यामध्ये दिलेली असते। विशेष करून मिसिंग पर्सन, अनआयडेंटिफाईड बॉडीज किंवा इतरही विभागाचा याच्यामध्ये संपर्क असतो, आणि यामधून एक मोठ्या स्वरूपामध्ये माहिती एकत्रितरित्या म्हणजे संकलित केली जाते पोलीस स्टेशन। मागील जून महिन्या ज्यामध्ये आमचे रँकिंग याच्यामध्ये 3rd रँकिंग आलेली आहे, आणि आम्ही याच्यामध्ये सातत्याने सुधारणा करत आहोत। पहिला जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या दरम्यान आम्ही 15 किंवा 16 नंबरवर होतो। साधारणतः 65% आमचा ॲव्हरेज होतं त्यामध्ये एकत्रित कामाचं। परंतु एप्रिलमध्ये पासून एप्रिललासुद्धा आमचा 15 नंबर होता। मे आणि जूनला मात्र आम्ही 8 नंबरवर आलो, 86% आम्हाला त्यामध्ये यश आलं होतं, आणि जूनमध्ये मात्र आम्ही 93%पर्यंत आम्ही त्यामध्ये गेलेलो आहोत, आणि आम्ही आता राज्यामध्ये 3rd आहोत। निश्चितच आम्ही यामध्ये आणखीनही चांगलं काम करून राज्यामध्ये 1st येण्याचा प्रयत्न करत आहोत। 1st येणं हा याच्यामध्ये उद्देश नसून संपूर्ण व्यवस्था चांगल्यात चांगल्या आणि निर्दोष पद्धतीने कशी काम करेल हे आमचं मोटो आहे। आणि यामध्ये माझा जो स्टाफ आहे, विशेष करून आमच्या CCTNSमध्ये काम करणाऱ्या महिला वर्ग आहे किंवा पोलीस स्टेशनचा जो अधिकारी कर्मचारी किंवा महिला वर्ग आहे, हा सातत्याने या एंट्री घेत असतो, त्याची माहिती संकलित माहिती निर्दोष पद्धतीने तातडीने 24 तासाच्या आत ती भरण्याचा प्रयत्न केला जातो, आणि या योजनेतून आम्ही निश्चितपणे चांगले यश। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।